हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई एम विशाल गर्ग। अभी मैं कटिहार जंक्शन पे हूँ जो कि बिहार में पड़ता है। अभी मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए निकलने वाला हूँ और मुजफ्फरपुर से हमारी ट्रेन नैनीताल के लिए है जो कि कल सुबह है और मैं अभी मुजफ्फरपुर निकलने वाला हूँ यहाँ से। ये मुजफ्फरपुर, अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे काठगोदाम के लिए जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और वहाँ से फिर आगे हमारी जर्नी होगी नैनीताल के लिए। सो अभी आप देख लो यहाँ पे स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से हम लोगों को अभी जस्ट अभी कुछ देर में ट्रेन आने वाली है तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे बाग एक्सप्रेस पकड़ कर। सो ट्रेन आती है तो अपडेट करता हूँ गाइस। सुबह के 6 बज रहे हैं दोस्त और यहाँ पे एक होल्ट पे रुका हुआ हमें। ये हम लोग एक छोटे से होल्ट पे रुके हुए हैं, उत्तराखंड में आ चुके हैं और अभी मुझे लगता है 3-4 घंटा और लगेगा दोस्त यहाँ से काठगोदाम जाने में और फिर वहाँ से फिर नैनीताल 1 घंटे का रास्ता है। सो अभी सफ़र थोड़ा और बचा हुआ है। तो हमें काठगोदाम पहुँचने वाले हैं। ये रुद्रपुर है, यहाँ से बस कुछ ही समय लगेगा हम लोग वहाँ पर पहुँचने में। सो कम बोलना। हे गाइस, अभी हम लोग जस्ट काठगोदाम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है और ये शुभम है मेरे साथ और काफ़ी अभी हम लोग उधर से आ रहे थे तो पहाड़ वगैरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था बट यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है। यू कैन सी बिसाइड द ट्रेन। सो बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाला है गाइस। मौसम बिल्कुल सही है और उधर जाते देखते हैं मौसम कैसा है फिर। ओके गाइस, अभी हम लोग एक कैब या फिर एक गाड़ी बुक करेंगे यहाँ से नैनीताल के लिए, फिर नैनीताल निकलते हैं और वहाँ का अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक गाइस, अभी हम लोग कैब बुक किया हमने और नैनीताल के लिए और एक भाई जी मिले हैं। ये कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया, अच्छा, यूपी बलिया से हैं। सो सफ़र काफ़ी खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ है यहाँ पे। गाड़ी निकल चुकी है गाइस नैनीताल के लिए। ये ड्राइवर साहब हैं, देख लीजिए। और हम लोग अब आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में पहुँचने वाले हैं नैनीताल। बट यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़बरदस्त है। यार घाटा भैया, 500 का तेल लग जाएगा, 200 कमाऊंगा, 30 हो जाएगा, 1.5 घंटे। इतनी देर में बात करिए आप, बाद में कुछ और करो। इतनी देर हम सफारी का हॉल नहीं देख लिया, कोई ट्रेन सफारी। भैया यूपी से हैं। भैया आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ सिंह। ओके, बहुत अच्छा लगा सौरभ सिंह, सौरभ जी मिल के आपसे। और हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। सो आप देख सकते हो हमारे साथ ये शुभम है, ब्रदर मैं हूँ, सौरभ जी, और ये ड्राइवर साहब हैं। क्या ड्राइवर साहब, कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे? 15 साल हो गए। 15 साल से गाड़ी चला रहे हैं। वाह, तो इधर का तो सारा मतलब सारा रूट पता होगा। बेसिकली आप हैं कहाँ से रहने वाले? यही का लोकल है। अच्छा, लोकल ही है। सो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है क्योंकि ड्राइवर साहब लोकल ही हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्या लग रहा है, धूप होगा यहाँ पे? वहाँ पे ठंड होगा मतलब? मौसम में कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ पर। अच्छा, नैनीताल का कभी धूप कभी बारिश, तुरंत तुरंत चेंज होते रहता है क्या? अच्छा, देख लिया गाइस, आपने सुन लिया कि मौसम का कोई भरोसा नहीं इधर का कि कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए। सो हम लोग उम्मीद करते हैं कि धूप ही मिले क्योंकि घूमने आए हैं तो ऑफकोर्स घूमने के लिए अगर बारिश हो जाएगी तो फिर हम लोग घूम नहीं पाएंगे। घूमने आज प्रोग्राम है घूमने का, आज लोकल ही बस वैसे नैनीताल के लोकल पर। हाँ, लोकल में हम लोग घूमने वाले हैं, जैसे कि आपका मॉल रोड हो गया, ये सब जाना है।
नैनीताल झील वगैरह जाना है, 9-10 पॉइंट है तो वो घूमिए। हाँ आप इधर से जाओगे तो 1000 रुपये लग जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, नैनीताल से जाओगे कम से कम किसी गाड़ी में 1500 रुपये लेगा नैनीताल के पॉइंट दिखाने का। नहीं हम लोग वो बाइक कर लेगा ना, वो बाइक से वहाँ से खरीद कर लेंगे। बाइक भी तो बंद हो गए इस टाइम, देख लो बाइक बंद हो गए। क्यों क्यों? डीबी नंबर सब दे रखे थे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, डीबी नंबर नहीं चलेंगे नैनीताल। कौन सा नंबर नहीं चलेंगे? डीबी नंबर UP04 TV आ रहा है ना आजकल। अच्छा। इतनी नई गाड़ी आ रही है। हाँ हाँ सब डीबी नंबर बन गया। आप देख लेना, आप नहीं समझो अपने चक्कर में मना कर रहा हूँ। नहीं नहीं देख लेना नैनीताल, ऐसा कुछ नहीं। तो आज घूमना है, फिर कल वहाँ पे नैना मंदिर टेम्पल है जो वो जाना है, उसके बाद फिर सैटरडे को जाना है हम लोगों को नीम करौली बाबा, कैची धाम। आप अपना नंबर दे देना, नैनीताल आओगे ना फिर तो लेके चलेंगे साथ। हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं और चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का चाय। अभी हम लोग रुके हुए हैं एक ढाबा पे, आप देख रहे हो ये ड्राइवर साहब हैं, ये सौरभ जी, एक बार हाय कर दीजिए आप लोग। और हम लोग अभी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लोग फिर नैनीताल के लिए रवाना होंगे। गाड़ी हमारी लगी हुई है वहाँ पे, सो सफ़र काफ़ी खूबसूरत होने वाला है गाइस। यहाँ पे कुछ ट्रैवलर हैं जो रुके हुए हैं, यहाँ से व्यू ले रहे हैं। एक मिनट हो गया ड्राइवर साहब, हम लोग भी रुक जाएँ क्या 5 मिनट के लिए? रुक जाते हैं। ओहो हो, पूरा एकदम साइड में गाड़ी लगाना पड़ा। हम लोग उतर रहे हैं नीचे, देखते हैं कैसा व्यू है। देख लो गाइस यहाँ पे कितना खाई है यहाँ से। तब सौरभ भाई मजा आ रहा है? ये व्यू देख करके तो लग रहा है जन्नत में आ गए हम लोग, काफ़ी ज़बरदस्त। आप देख रहे हो यहाँ का ड्राइवर साहब का तो डेली का घूमना होता है क्या ड्राइवर साहब? हम लोग आ चुके हैं नैनीताल और ये सौरभ जी फोटो लेने में व्यस्त है। क्या मज़ा आ रहा है, देख लो आप व्यूज गाइस, क्या मस्त लेक है यहाँ पे। कोहरा के कारण दिख भी नहीं रहा पीछे, बट वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट। हे गाइस अभी देख रहे हो आप बाहर का व्यू, देखो आप, मैं यहाँ बालकनी में हूँ और ये होटल का बालकनी है और यहाँ से मैंने व्यू ले रहा है और यहाँ से मैं व्यू ले रहा हूँ। आप देख रहे हो कितना गजब का व्यू है ये होटल का और ये पूरा नैनीताल यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये लेक है सामने और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, सो मिलते हैं गाइस। हे गाइस अभी देख रहे हो आप बाहर का व्यू, देखो आप, मैं यहाँ बालकनी में हूँ और ये होटल का बालकनी है और यहाँ से मैंने व्यू ले रहा है और यहाँ से मैं व्यू ले रहा हूँ। आप देख रहे हो कितना गजब का व्यू है ये होटल का और ये पूरा नैनीताल यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये लेक है सामने और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, सो मिलते हैं गाइस।